हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। एक नई वैकेंसी फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो डिग्रीज़ वगैरह हैं, जो जो लोग इसमें एलिजिबल हैं वो हैं बीटेक, एमटेक, एमएससी एंड एमसीए। तो आप सोच सकते हो कि जिन्होंने ये चार डिग्री की हुई हैं तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ना कि केवल बीटेक और एमटेक वाले। तो जल्दी से मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में पूरा बता देता हूँ डिटेल में, और पूरी वीडियो देखना तभी आपको पता चलेगा। इसमें स्पेशलिटी की एक और बात है, एंड में वीडियो में आपको बताऊंगा वो ट्रिक, और ट्रिक नहीं मतलब एक सजेशन होगा, तो पूरी वीडियो देखना इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अभी जल्दी से मैं आप लोगों को स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। कंपनी मैं बता देता हूँ शुरू में ही आपको, एसेंचर की तरफ से ये वैकेंसी आई है, और अभी बाकी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको बताता हूँ। तो चलिए जल्दी से चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये वैकेंसी है ये एसेंचर कंपनी की तरफ से है, तो अब मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसमें जो जॉब रोल है वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उससे एक नीचे होता है लेवल एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ये उस रोल के लिए वैकेंसी आई है। और इसमें क्वालिफिकेशन मैंने जैसे आपको शुरू में ही बताया था, इसमें बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमएससी, इन जिन लोगों ने ये चार डिग्री से जो लोग पास आउट हैं जिन्होंने की हुई है वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इन चार में भी कौन कौन से बैच, कौन कौन से ईयर में पास आउट हुए हुए लोग अप्लाई करेंगे वो है आपका 2020 एंड 2021। एक्सपीरियंस इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, और अगर आपके पास एक साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल हो। उसके बाद सैलरी की अब बात कर लेते हैं। सैलरी जैसे कि आपने देखा है कि देख रहे हो कि पैकेज बहुत अच्छा है ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका 4.5 तक लग सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि आपका 4.5 ही लगेगा, लेकिन 4.5 तक लगेगा, उससे ऊपर नहीं लगेगा, 4.5 तक लग सकता है। और इसमें ये बात होती है कि आपका 3 भी लग सकता है, 3.5 भी, 4 भी, 4.5 भी, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स के ऊपर जो कि आप इंटरव्यू वगैरह जैसे दोगे तो आप कैसा उसमें परफॉर्म करते हो। उसके बाद जॉब लोकेशन आपकी कौन कौन सी रहने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे एंड गुरुग्राम। इसका ये मतलब होता है कि आपका इन जगहों में से कहीं भी जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होंगे इन जगहों पर, इन स्टेट्स में, तो वहाँ पर आपका डिप्लॉयमेंट हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। और लास्ट डेट आपकी एज सून एज पॉसिबल आप अप्लाई कर दीजिए, जैसे कि मैं आपके लिए फटाफट से ले आया हूँ, कल ही मेरे पास ये आई है एंड मॉर्निंग में मैं अभी ले आया हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं डेली अपडेट करा करूँगा। अप्लाई लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। तो ये था एसेंचर के बारे में, बहुत अच्छी कंपनी है, तो आप इसको अप्लाई जल्दी से कर दीजिए। और एक नई वीडियो साथ वैकेंसी के साथ मैं जल्द हाजिर होऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अच्छी अच्छी वैकेंसीज के लिए बहुत जल्द। ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।